हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम वीडियो में साल के पहले यानी 2024 के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में बात करने वाले हैं जो 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला है। दोस्तों सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण, हम दोनों की अगर बात करें तो उसमें से सूर्य ग्रहण है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक माना जाता है बच्चे के लिए। तो उसकी जो किरणें होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई होती है। तो लेकिन दोस्तों जो साइंस है इसे भी कुछ भी मानता नहीं है, वो बताता है कि ये दोनों जो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वो दोनों एक खगोलीय घटना ही है। लेकिन शास्त्र के मुताबिक हमें इन हानिकारक किरणों से बचना चाहिए, गर्भवती महिला के लिए ये बहुत ही घातक हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे गर्भवती महिला को ग्रहण के समय बचना है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल को पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किया है चैनल को, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता है कि लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण है वो 12 घंटे पहले ही वो उसमें सूतक काल लग जाता है। दोस्तों तो क्या करना है दोस्तों कि सूतक काल में है तो आप कभी खाना तो खा सकती है ना, खाना बना सकती है, खाना खा सकती है। और आपको क्या करना है कि आपके भगवान की पूजा नहीं कर सकती है, उनके जो मंदिर के कपाट है वो आपको बंद कर देने हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है आपको। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, ये सब आपको सावधानी बरतनी है। फिर आप देखेंगे तो ग्रहण का टाइम है वो है रात को 9:12 से लेकर 2:22 तक का है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि रात के समय तो सूरज निकलता नहीं है, फिर ये ग्रहण कैसे लगेगा। तो दोस्तों ये टाइमिंग ऐसा रात को इसीलिए है क्योंकि जो ये सूर्य ग्रहण है वो सेम चंद्र ग्रहण के जैसे ही हमारे भारत में नहीं दिखने वाला है। जो हमारी दूसरी कंट्री है जो वहाँ पर अगर रात होगी तो यहाँ दिन होगा, भारत में अगर भारत में रात होगी तो वहाँ पर दिन होगा, ऐसा जो समय रहता है ना वो सब कंट्रियों में ये दिखने वाला है दोस्तों। लेकिन क्या होता है तो हमारी जो इंडिया की जो गर्भवती महिला है ना उसको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बताती है कि आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों। तो हाँ, तो आप उसके लिए क्या कर सकती है कि ग्रहण के टाइम पर आपको क्या करना है, ज़्यादातर एक ही जगह पर बैठे रहना है, भगवान का मंत्र जाप करना है। फिर आप चाहे तो नुकीली चीज़ों से आप है ना दूर रहिए, चप्पू से दूर रहिए, सुई धागे से दूर रहिए, कपड़े मत सिलिए, है ना, ये सब आप कर सकती है दोस्तों। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।